बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं जी मटर पुलाव। आजकल मटर का सीज़न है, तो पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर बना रहे हैं। ये मटर पड़े हैं, अभी हम इसके अंदर डालते हैं प्याज, ये आयल, उसके बाद प्याज, फिर मैं आपके सामने हर चीज़ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा और डालो। प्याज मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करती होती चावल के, मैंने पहले भी बताया था, मैं बस गोल्डन करूँगी, फिर लहसुन डालेंगे इसके अंदर। ये भी प्याज हल्के गोल्डन हो गए, अभी लहसुन डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर ब्राउन करूँ ना, डार्क ब्राउन, फिर चावल जो है ना वो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाते हैं, चावल का कलर सही नहीं रहता। अब इसमें लहसुन डाल रहे हैं, क्योंकि एक किलो से थोड़े से कम है चावल, इसलिए मैंने फुल टी स्पून नहीं डाला लहसुन का, थोड़ा सा कम डाला है, थोड़ी सी आप स्लो कर दें। थोड़ा सा भी पानी डालती और इसमें नमक, मिर्च, दो चम्मच, दो टीस्पून डालेंगे अभी नमक के, फिर टेस्ट करके, फिर अगर डालना पड़े तो फिर हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ से थोड़ी ज़्यादा, गरम मसाला डाल दें, गरम मसाला डाल दें इसके अंदर, साबुत गरम मसाला जरूर डालना चाहिए। मैं खुश्क धनिया भी डालती हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं चावल में, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया, मटर डाल दें इसके अंदर, मटर डालें, लस्सी भी लेते हैं, लस्सी गिलास में लस्सी डाल दो, आधा गिलास, आधा गिलास दे दें, ये जी हाफ गिलास में डाल रही हूँ, ये गिलास है इसकी मेजरमेंट मैंने की है, दो गिलास चावल के हैं, मैं तीन गिलास इसमें पानी डालूँगी, चार गिलास नहीं डालूँगी, क्योंकि कच्ची बासमती चावल है, इसलिए मैं तीन गिलास डालूँगी चावल के, पानी के, सॉरी। अब इसकी हम भुनाई करते हैं, भुनाई करके इसमें हरी मिर्च डालते हैं, अब इसमें हरी मिर्च भी डाल दें, साबित ये डाल दो बस। अब इसकी भुनाई करते हैं, भुनाई करके फिर इसमें पानी डालेंगे, फिर आपके सामने सारा मैं चावल वगैरह डालूँगी। ये भी भुनाई हो गई इसकी, अब इसमें हम पानी डाल दें, डाल तीन गिलास ऐसे डाल दें, बस तीन गिलास पानी डाले, दो गिलास चावल है, तीन गिलास पानी डाले, चार इसलिए नहीं डाला कि कच्ची बासमती है चावल, तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसी पेस्ट सी बन जाती, इस तरह खिल रहा रहेगा चावल। कवर करो इसको,
ये जी बॉईल आ गया, अब इसमें हम चावल डाल रहे हैं। डालो इसके अंदर पकड़ के, हाँ पानी न जाए। जल्दी से अब इसको हम कवर करते हैं देगची को, जब तैयार हो जाएंगे फिर इसको दम लगाएंगे, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। ये जी चावल का पानी खुश्क हो गया बिल्कुल, अब मैं इसको दम, स्टीम की वजह से ज़रा कम नज़र आते हैं, अब इसको दम देने लगे हैं। इसको दम देते हैं, फिर उसके बाद जब मैं ओपन करूँगी इसका दम, फिर आपसे शेयर करके फिर डिश आउट करते हैं। ये जी बिल्कुल तैयार हैं राइस, देखें बहुत अच्छे बने हुए हैं माशाल्लाह, खिल रहे बने हुए हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल डिश आउट करती हूँ, फिर आपसे शेयर करते हैं। ये है जी हमारी आज की डिश, मटर वाला पुलाव। पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।